हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी मिनी चॉकलेट केक। ये केक मैंने इडली स्टैंड में बनाकर तैयार किया है, तो इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लगता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं मिनी केक बनाना। सबसे पहले हम एक सॉस पैन ले लेंगे, उसके अंदर मैं डालूंगी एक बाउल दही और इसमें डाल दूंगी एक बाउल पिसी हुई चीनी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी हाफ बाउल ऑयल, इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो ऑयल भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसी बाउल से एक बाउल सूजी डाल लूंगी। मैंने सारा मेजरमेंट इसी बाउल से किया है। इसको भी मैं धीरे धीरे करके इसमें डाल दूंगी। अब हम इसमें चॉकलेट पाउडर डाल देंगे क्योंकि हम चॉकलेट केक बना रहे हैं। और 1 स्पून मैंने यहाँ कॉफी पाउडर लिया है, उसको भी मैं डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल दूंगी और इसे मिक्स कर दूंगी। तो मैंने यहाँ इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे मिक्स करने में मुझे 100 ml दूध लगा है। अब मैं इसमें 1 स्पून वनीला एसेंस डाल दूंगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो आप देख सकते हो हमें बैटर की थिकनेस इतनी रखनी है। अब हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। जब तक हमारा बैटर सेट हो रहा है तब तक हम इसमें ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। मैंने यहाँ 2 ड्रॉप्स ऑयल डाल दिया है, इसको मैं अच्छे से ग्रीस कर लूंगी। अब हमने इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम हमारा बैटर चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारा बैटर कितना गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें फिर से थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दूध डालने से पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, 1 स्पून बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी सॉल्ट। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारा बैटर पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम इसे बेक करेंगे। लास्ट में मैं इसमें काजू डाल दूंगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो या ना डालो। अब हम इडली मोल्ड में थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देंगे। सिर्फ हम 1 स्पून ही इसमें बैटर डालेंगे। तो मैंने यहाँ सभी मोल्ड में बैटर को डाल दिया है। अब मैं इसको डेकोरेट करूंगी। मैंने चॉकलेट पाउडर डालने से पहले 2 स्पून बैटर निकाल लिया था। मैं इसको कुछ ड्रॉप इसमें डाल दूंगी
और टूथपिक की हेल्प से इसे सभी तरफ से फैला दूंगी। इसी तरीके से हम सारे बैटर में डिजाइन बना देंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने सभी मोल्ड में डिजाइन बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसे बेक होने के लिए रखेंगे। तो केक को बेक करने के लिए मैंने कढ़ाई में नमक डाल दिया है। अब मैं इसे लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दूंगी। अब हमारा नमक अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें हमारे इडली मोल्ड को डाल दूंगी। अब हम इसे 35 से 40 मिनट तक लो फ्लेम पे बेक होने देंगे। यहाँ मेरा इतना बैटर बच गया है, इसको भी मैं दूसरे बर्तन में बेक होने के लिए रख दूंगी। तो पूरे 30 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, अब हम इसे चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ एक टूथपिक ली है, इससे मैं इसको चेक करूंगी। तो आप देख सकते हो मेरी टूथपिक बिल्कुल शार्प निकल के आई है, इसका मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे, ठंडा होने के बाद हम इसे बाहर निकालेंगे। तो यहाँ हमारा केक पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है और मैंने इसे एक प्लेट में सर्व करके चॉकलेट स्प्रिंकल, टूटी फ्रूटी और चेरी से गार्निश कर दिया है। और इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने सेकेंड जो हमारा बैटर बच गया था उसको मैंने बेक करने रखा था, वो केक भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आप देख सकते हो हमारा केक कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी बना है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।